हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो आज हम लोग 4-5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, ये फेवरेट स्टॉक भी है मेरा, आईसीआईसी प्रू लाइफ। इस स्टॉक का आज रिजल्ट आया हुआ है, हमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम के लिए मौका देने वाला है। इस स्टॉक की ब्रीफिंग देखेंगे रिजल्ट के आते ही। इतना रिजल्ट के आने से पहले 4% की गिरावट क्यों हमें देखने को मिली, बाय होल्ड और सेल लेवल पे आपको डिस्कशन करके बताऊंगा, कब आपको एंट्री लेनी है, कब एंट्री अवॉइड करनी है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे पहले आपको एनएसई की वेबसाइट पे आज के कारोबार की यहाँ पे बात की जाए, तो आपको लगभग 601.60 रुपए का लो, और अगर हाई की बात करें 625.35 रुपए, जो कि इसका लगभग आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे का पॉइंट बनता है आज का टॉप हाई। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही गिरना शुरू करता है, लगभग आपको 4% की गिरावट देखने को मिलती है इस स्टॉक में। यहाँ पे बात करें क्लोजिंग बेसिस पे तो एक नेगेटिविटी बनी हुई है अभी ऑर्डर बुक में, या सेल ऑर्डर लगा हुआ है, सेलिंग प्रेशर अभी वैसे का वैसे ही देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पर डिलीवरी की तो लगभग 42% डिलीवरी देखने को मिल रही है, 12 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, 5,15,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, डिलीवरी डेटा हेल्दी है। और ये डिलीवरी देखो, अगर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की तो वॉल्यूम बढ़ रहा है गिरावट के साथ, यानी अभी ये गिरावट जो है कंटिन्यू रहने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे डिस्कशन कर लेते हैं, पहले टेक्निकल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो टेक्निकल पॉइंट्स की रेटिंग की अगर बात करें यहाँ पर, तो मूविंग एवरेज आपको न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल, और साथ में बात करें यहाँ मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर तो बुलिश देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो ये न्यूट्रल टू बुलिश बन के आ रहा है, बट इस शेयर में बियरिसनेस स्टार्ट होने वाला है, रीजन आपको अभी चल के दिखा दूंगा। बात करें वीकली बेसिस पे तो वीकली बेसिस पे अभी ज्यादा डेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ओवरऑल ऑल सिनेरियो बुलिश है, और यहाँ पर वीकली ओवरऑल रेटिंग भी वेरी बुलिश बन के आ रहा है। बात करें यहाँ मंथली बेसिस पे भी हमें ज्यादा डेंट देखने को नहीं मिल रहा, और यहाँ पे ट्रेंड रेटिंग जो है बुलिश टू वेरी बुलिश देखने को मिल रहा है। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, जो न्यूज कल निकल के आ रही थी, जो 9 जुलाई की ये देख सकते हो आर्टिकल है, उसका इंपैक्ट हमें अभी देखने को मिला है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो रिसर्च आया हुआ था, ये देख सकते हो आईसीआईसी प्रू लाइफ Q1 नेट प्रॉफिट में डिप 21.6% ईयर ऑन ईयर टू ₹275 करोड़। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 21.6% से यहाँ पर जो है प्रॉफिट में डेंट आएगा, बट यहाँ पे रिजल्ट हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है हमारा। नेट इंटरेस्ट इनकम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 18.3% ईयर ऑन ईयर, डाउन 44.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू आरएस इतना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। रिजल्ट पे ज्यादा मेन पॉइंट में मैं आपको लेके चलूंगा। यहाँ पे बात करें अगर प्रीमियम की आपको, तो देख सकते हो प्रीमियम जो है क्वार्टरली बहुत ज्यादा डेंट पड़ा है, 2,02,932 करोड़ के मुकाबले यहाँ पर देख सकते हो 88,026, देख रहे हो लाख की बात हो, यहाँ पर कितना बड़ा डेंट पड़ा है। अगर बात करें टोटल इनकम पे, टोटल इनकम पे लगभग आपको यहाँ पर 3 लाख के आसपास, 3 लाख या अगर बात करें 30,000 करोड़ की यहाँ पे डेंट आपको देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। प्रॉफिट की अगर बात करें यहाँ पर डायरेक्ट, अगर मैं नीचे लेकर आऊँ आपको यहाँ पर, अगर एक्सपेंसेस के बाद बात करें यहाँ पे टोटल, और नीचे अगर बात करें शेयर होल्डर्स के, या फिर प्रॉफिट बिफोर लॉसेस, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो देख सकते हो आप कंपनी ने बहुत ही जान, मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत ही बेकार सा लॉस, लगभग आपको 1,857 करोड़ का लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी 1,857 नहीं, यहाँ पे 185 करोड़ 73 लाख के आसपास का यहाँ पर आपको एक लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है ऐसे शेयर वाली कंपनी के लिए। बात करें यहाँ पर डिविडेंड तो कंपनी ने कोई अनाउंस नहीं किया है, तो ये कंपनी हमें रिजल्ट जो है बहुत ही नेगेटिव पेश किया है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, फिर आगे आपको डिस्कशन पे लेके चलूंगा। ये तेजी यहाँ से चालू होती है, ठीक है, ये लगभग 400 इस वाले लेवल से ये तेजी चालू होती है। उसके पहले आपको दिखाना चाहूंगा कंपनी का जो टॉप हाई था 533 था, वहां से कंपनी ने गिरावट दिखाना शुरू किया था, और ये 424 रुपए तक गया हुआ था, यहां तक ये गिरावट आई थी। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या ये गिरावट ऐसी लेवल से कंटिन्यू रहेगी, या क्या इसमें चेंज होने वाला है?
तो देखिए अगर गिरावट यहां से कंटिन्यू अगर ऐसे आ रही तो ये शेयर थोड़ा सा मोमेंटम जब बनाता है तो अप ट्रेंड में अगर चला जाएगा तो अप ट्रेंड वाले मोमेंटम दिखाएगा, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा तो डाउन ट्रेंड वाले मोमेंटम काफी दिन तक दिखाता है। तो जब ये गिरना शुरू हो रहा है तो आप अभी इसमें बाइंग ना करें, थोड़ा सा अवॉइड करें इसमें बाइंग। आप लोग थोड़ी सी अगर किसी सपोर्ट पे मिले तो ही बाई करें। अभी यहाँ पर हमें जो सपोर्ट मिल रहा है 513 93 590 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वहां पे आप सोच सकते हो बाइंग के लिए। बाकी अभी थोड़ी सी बाइंग इसमें अवॉइड करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लेकिन ये मेरा फेवरेट शेयर है, अभी भी मैं इस शेयर के साथ में हूँ। अभी मैं जितनी डिप इसमें आएगी वो मैं डिप का यूज करूंगा बाइंग के लिए, बट हाँ किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास ही करूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर।